वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट इन फोर्थ लेक्चर ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे। आज आगे उसके क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 times द फर्स्ट। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी यानी A4। A4 क्या है? 3 times ऑफ द फर्स्ट, यानी A4 किसके इक्वल है? 3 times ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी A4 इज इक्वल टू 3A1। एंड द सेवेंथ टर्म, और सेवेंथ टर्म क्या है? एक्सीड ट्वाइस, एक्सीड मतलब अधिक और ट्वाइस मतलब दुगुना, यानी सेवेंथ टर्म दोगुना अधिक है किससे? द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म से बाई वन मतलब एक ऐड होता है, यानी सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू एक्सीड ट्वाइस, यानी दोगुना बढ़ता है, टू किसके दोगुना बढ़ता है? थर्ड टर्म के, यानी 2 into A3 एंड बाई वन, यानी एक जुड़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? A7, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द थर्ड टर्म, यानी 2 into A3 बाई वन, यानी एक ऐड होता है प्लस वन। A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2A3 + 1, और फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू 3 times ऑफ द फर्स्ट, यानी 3 into A1। ये क्वेश्चन से दिया हुआ है। अब क्या निकालना है हम लोग को? फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी A1 एंड द कॉमन डिफरेंस, ए और डी का वैल्यू पूछ रहा है। ए इज इक्वल टू व्हाट एंड डी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है? तो इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सोल्व करेंगे और वहाँ से ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। A4 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3A1, या A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+3D इज इक्वल टू 3A1, या इसको ए भी कर सकते हैं फर्स्ट टर्म में। अब यहाँ से हम लोग A+3D को राइट साइड में भेज देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 = 3A - A - 3D, यानी 0 = 3A - A 2A - 3D, या फिर 2A - 3D इज इक्वल टू 0। इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन क्या यहाँ से बनाएंगे? A7 इज इक्वल टू 2 into A3 + 1, A7 इज इक्वल टू 2 into A3 + 1। चलिए A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+6D इज इक्वल टू 2 into A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D + 1, या फिर A+6D इज इक्वल टू 2A + 4D + 1। यहाँ से अब A+6D को हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 = 2A + 4D + 1, और इसको राइट साइड में भेज रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? -A - 6D, या फिर 0 = 2A और माइनस ए, यानी A + 4D - 6D -2D + 1 इज इक्वल टू, यहाँ तो 0 है, अब इसी को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, A - 2D + 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, या 1 को भी हम लोग राइट साइड में यहाँ ले सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको? A - 2D इज इक्वल टू -1, इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और वहाँ से ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, हम मिटा के यहाँ पे लिखते हैं इसको। चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे? 2A - 3D इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड क्या है? A - 2D इज इक्वल टू -1, यह इक्वेशन सेकेंड। चलिए
इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ सेकेंड में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट में वन से और सेकेंड में टू से। इक्वेशन सेकेंड में टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ए माइनस फोर डी माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए माइनस थ्री डी इज इक्वल टू जीरो। वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेकेंड में टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, टू ए माइनस फोर डी इज इक्वल टू माइनस टू। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट में से सेकेंड को, यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, टू ए माइनस टू ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस थ्री डी प्लस फोर डी, यानी डी इज इक्वल टू जीरो प्लस टू, यहाँ क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू टू, डी इज इक्वल टू टू वैल्यू आया। अब डी इज इक्वल टू टू का वैल्यू हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, वहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग डी का वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे, टू ए माइनस थ्री डी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू ए माइनस थ्री और डी के जगह पे टू पुट करेंगे इज इक्वल टू जीरो। टू ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टू ए इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू से सिक्स थ्री बार में कटेगा, ए इज इक्वल टू थ्री, ए का वैल्यू थ्री और डी का वैल्यू टू, यही पूछा था, ए और डी का वैल्यू निकालना था, ए का वैल्यू कितना आया, थ्री और डी का वैल्यू टू। लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए इज इक्वल टू थ्री और डी इज इक्वल टू टू, ये क्या हो गया आंसर, इसको आप लोग नोट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी क्या है 3579 डॉट 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 201, इसका लास्ट टर्म क्या है 201 है, यानी एल का वैल्यू 201। तो लास्ट टर्म से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता था, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म के लिए होता था एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट करके 15th टर्म निकालेंगे, यानी एन का वैल्यू यहाँ पे 15 पुट करेंगे, एल का वैल्यू 201 और डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखिए, इफ़ सेवेंथ टाइम ऑफ द सेवेंथ टर्म, यानी सेवेंथ टाइम ऑफ सेवेंथ टर्म, यानी सेवन इंटू ए सेवन ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, यानी 11 इंटू ए 11, सो दैट इट्स 18th टर्म इज जीरो। क्या क्या दिया हुआ है, सेवेंथ टाइम ऑफ सेवेंथ टर्म, यानी सेवन टाइम्स ऑफ सेवेंथ टर्म, यानी सेवन इंटू ए सेवन ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, यानी 11 इंटू ए 11, ये दिया हुआ है, क्या है, गिवन है। देन सो दैट इट्स 18th टर्म इज जीरो, यानी ए 18 इज इक्वल टू जीरो सो करना है, ए 18 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 17 डी इज इक्वल टू जीरो, ए हम लोग को सो करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और इतना सो कीजिए, खुद से करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो इसको भी कमेंट कीजिएगा, आसान है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं इसको। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 लगभग सेम टाइप का है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, थ्री नंबर्स आर इन एपी, कोई भी तीन नंबर है एपी में है, जो तीनों क्या में है, एपी में है। इफ़ दियर सम इज 27 और तीनों नंबर का सम है, यानी जोड़, तीनों नंबर का जोड़ क्या है 27 है, एंड द प्रोडक्ट 6648 और तीनों का गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 648, तो क्या करना है, फाइंड द नंबर, तो अब तीनों नंबर को फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं तीन नंबर जो एपी में होंगे, ठीक है, लेट ए माइनस डी कोमा ए कोमा ए प्लस डी
बी द थ्री नंबर विच आर इन एपी. क्या मान लिए हम लोग? ए माइनस डी कोमा ए कोमा ए प्लस डी बी द थ्री नंबर्स. क्या है? तीनों तीन नंबर्स हैं जो क्या में है? एपी में है. देख लीजिए तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी आएगा. ए माइनस डी उसके बाद क्या है? ए. इसमें से हम लोग ए में से ए माइनस डी को घटाएंगे तो उसका भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा. ए प्लस डी से ए घटाएंगे तो वहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी आएगा. यानी तीनों नंबर एपी में है. और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तीन नंबर लेने के लिए तो हम लोग तीनों नंबर यही तीन नंबर लेंगे. ठीक है, तो चलिए ये तीन नंबर ले लिए. उसके बाद क्या कह रहा है? इफ दियर सम इज 27. तीनों का सम क्या होना चाहिए? 27. यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम क्या है? 27. और दूसरा क्या दिया हुआ है? एंड द प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 648. यानी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 648. ये दिया हुआ है. ये दो चीज़ हमारे पास दिया हुआ है तो पूछ रहा है तीनों नंबर क्या क्या होंगे. तो हम लोग यहाँ इन दोनों को सोल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालेंगे. ए और डी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो तीनों नंबर हम लोग को मिल जाएगा. चलिए सोल्व करते हैं इसको. सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं. ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27. यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? ए प्लस ए प्लस ए यानी 3a इज इक्वल टू 27. यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 27 अपॉन 3. 3 से 27 कितना मन में कटेगा? 9 टाइम्स. यानी a इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया? 9. ए का वैल्यू 9 आ गया. अब डी का वैल्यू निकालना है हम लोग को. डी का वैल्यू इसको सॉल्व करके निकालते हैं. चलिए अब यहाँ पे हम लोग को ए का वैल्यू मालूम है 9, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ए का वैल्यू 9. जहाँ जहाँ ए वहाँ पे 9 पुट करते हैं. 9 माइनस डी इज इंटू 9 इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 648. चलिए 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 648 अपॉन 9 को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं. चलिए 9 से कटेगा ये, देखिए 9 से 7 बार में 63 और एक बचेगा 18. यानी 7 और 18 कितना बार में? 2 बार में. यानी 72 बार में कट गया. 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 72. चलिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना. उसी प्रकार से यहाँ देखिए 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 72. ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72. आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72. यहाँ से 81 और 72 को यहाँ ले आते हैं, माइनस 72 हो जाएगा और डी स्क्वायर को राइट साइड में प्लस डी स्क्वायर. 81 माइनस 72 यानी कितना? 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या डी इज इक्वल टू अंडर रूट 9. अंडर रूट 9 का वैल्यू 3, प्लस माइनस 3 आएगा लेकिन हम लोग को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? प्लस 3. और ए का वैल्यू कितना आया था? 9 और डी का वैल्यू 3.
तो अब 9 और 3 को हम लोग इस यहाँ पे पुट करेंगे, ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू 3, और पुट करके तीनों नंबर को निकालेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ए इज इक्वल टू 9 है और डी इज इक्वल टू 3, तो तीनों नंबर निकालने हैं हम लोग को, तो यहाँ पे पुट कर देंगे जो जो माने हैं खुद से माने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस डी फर्स्ट टर्म, ए माइनस डी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6। फिर सेकेंड टर्म ए, ए इज इक्वल टू 9, और थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू 3, 9 प्लस 3 12। फर्स्ट टर्म क्या आया 6, सेकेंड टर्म 9 और थर्ड टर्म 12। देखिए तीनों एपी में है, 3 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आएगा, इन सब का कॉमन डिफरेंस 3 है। हेंस लास्ट में लिख देंगे, हेंस 3 नंबर आर कौन कौन से 3 नंबर हैं, 6 9 12 आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 20, उसमें भी 3 कंजिक्यूटिव टर्म लेना है खुद से, तो तीनों यही टर्म मान लेंगे। उसके बाद सम दिया हुआ है, सम शायद 7 दिया हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 उसमें दिया हुआ है 3 कंजिक्यूटिव टर्म जिसका सम क्या है 21, यानी उसी तरह से इसको भी बनाएंगे 20 को, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये तीनों टर्म इतना तक कर लेंगे खुद से मान लेंगे। उसके बाद सम दिया हुआ है 21, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से a और d का वैल्यू, a और d का वैल्यू कुछ आएगा, उसको यहाँ मान लेंगे a का वैल्यू कुछ आएगा, ठीक ना। और सेकेंड में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, यानी इन सब का स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 165, स्क्वायर का सम 165 दिया हुआ है, यानी स्क्वायर का सम, यानी 1 माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर, इस सारा का स्क्वायर करने के बाद और जोड़ने के बाद कितना वैल्यू दिया हुआ है, 165, ठीक है। तो यहाँ ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वहाँ से डी का वैल्यू निकाल देंगे, तो ए और डी का वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद तीनों टर्म को, तीनों संख्या को फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, देन फाइंड द एंगल्स। क्या है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज, ठीक है। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी, जो एंगल है इसके चारों एंगल क्या में है, ए पी में है, एंड जो ए पी होगा उसका कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री। तो पूछ रहा है चारों एंगल क्या होंगे, फाइंड द एंगल्स। तो हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट एंगल क्या है, 8 डिग्री, और दूसरा क्या है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 10 डिग्री। थर्ड एंगल a प्लस 2d, और d का वैल्यू 10, यानी 2 इंटू 10 20 डिग्री। a प्लस फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, और d का वैल्यू 10, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 30 डिग्री। चारों एंगल है यहाँ पे, a डिग्री, a प्लस 10 डिग्री, a प्लस 20 डिग्री, a प्लस 30 डिग्री, चारों एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द एंगल्स, तो एक हम लोग कोई सूटेबल वैल्यू निकालेंगे, फिक्स वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए चारों क्या में है, ए पी में है, और हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है, तो 360 होता है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए, तो वहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी सी और डी,
solution. Since we know that the sum of angle of the sum of the angles of a quadrilateral each 360 डिग्री, चारों एंगल का सम कितना होता है 360, ठीक है. तो इसलिए कोण एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360. एंगल ए का वैल्यू क्या है 8, ठीक है, प्लस ए प्लस 10 डिग्री, बी का वैल्यू ए प्लस 10 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू ए प्लस 20 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू ए प्लस 30 डिग्री. इज इक्वल टू 360. चलिए सबको जोड़ते हैं. इसमें कितने ए हैं, 1, 2, 3, 4, चार ए हैं, यानी 4a प्लस 10 डिग्री 20 डिग्री कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 30 60, 60 डिग्री इज इक्वल टू 360. फोर ए इज इक्वल टू 360 और 60 को राइट साइड में भेज देंगे, क्या हो जाएगा 360 माइनस 60 यानी 300 और यहाँ से ए का वैल्यू 300 अपॉन 4 कितना बार में कैंसिल होगा 75, ए इज इक्वल टू 75 डिग्री यानी एंगल ए का वैल्यू कितना है 75 डिग्री है. तो एंगल बी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे 75 प्लस 10 85, यहाँ भी 75 पुट करेंगे आ जाएगा 95, यहाँ भी 75 पुट कर देंगे. तो चारों एंगल को हम लोग निकालते हैं, इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए. एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 डिग्री, एंगल बी ए प्लस 10 डिग्री यानी 75 प्लस 10 85, एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस 20 डिग्री 75 प्लस 10 इज इक्वल टू 85. थर्ड में एंगल क्या है ए प्लस 20 ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 95. एंगल डी इज इक्वल टू ए प्लस 30 डिग्री यानी 75, ए का वैल्यू 75 प्लस 30 क्या हो जाएगा 105 डिग्री यानी चारों एंगल क्या क्या होंगे सारे को हम लोग लगातार लिख देंगे एपी में 75, 85, 95, 105 ये क्या हैं चारों एंगल है जो एपी में है. इसका चारों एंगल क्या हो जाएगा 75, 85, 95, 105 नोट कर लीजिए. जैसे एक नोट है देखिए, इफ़ द थ्री नंबर आर इन एपी आर टेकन एच ए माइनस डी ए और ए प्लस डी. अभी तीन नंबर लिए थे ना लगातार तीन टर्म ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, ठीक है. उसी तरह से अगर फोर नंबर पूछेगा एपी में तो हम लोग ले सकते हैं इसको ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी. देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2d आएगा. तो अगर फोर नंबर लेना होगा तो हम लोग क्या लेंगे ये चारों को ले लेंगे a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए. चलिए तो भाई एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डिवाइड 32 इंटू फोर पार्ट. 32 को हम लोग को फोर पार्ट में डिवाइड करना है विच आर इन एपी. वो कौन से फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे जो क्या होंगे एपी में होंगे. सच दैट इस तरह के द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रीम्स यानी चारों नंबर होगा और चारों नंबर का जो किनारा होगा स्ट्रीम मतलब छोर कहते हैं ना यानी किनारे वाले का प्रोडक्ट
इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन और बीच वाले का प्रोडक्ट, दोनों का रेशियो क्या होगा 7:15। यानी देखिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं चार नंबर क्या होंगे, अभी नोट लिखवाए थे, चार नंबर हम लोग क्या लेंगे जो ओपी में होंगे, लेट फोर नंबर्स ए माइनस थ्री डी कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस थ्री डी विच आर इन ए पी। ये चारों के हमें ए पी में देख लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस सबका 2d आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्या है, डिवाइड 32 इंटू फोर पार्ट्स, यानी चार पार्ट हम लोग मान लिए इसको, यानी इसको ऐड करेंगे कितना आना चाहिए 32, यानी अकॉर्डिंग टू क्यूचन ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, चारों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 32। चलिए सबको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 32। 3d माइनस 3d और प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस डी प्लस डी वही भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब क्या है, ए ए ए और ए, चार ए बच गए हैं, यानी 4a इज इक्वल टू 32। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू 8, यानी ए का वैल्यू क्या आया 8। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, यानी किनारे किनारे वाला का प्रोडक्ट, ये जो नंबर है ना चार नंबर, इनके किनारे किनारे पे कौन कौन सा छोर पे कौन कौन सा संख्या है ए माइनस थ्री डी और ए प्लस थ्री डी, इन दोनों का प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी बीच वाले का प्रोडक्ट, दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है 7:15। तो चलिए इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, वो तो क्या था एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम यानी जो किनारे किनारे उन दोनों का प्रोडक्ट ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी बीच वाले का प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, दोनों का प्रोडक्ट क्या है का रेशियो दिया हुआ है 7:15 यानी 7/15। चलिए इतना दिया हुआ है तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ पे ए माइनस थ्री डी और इंटू में ए प्लस थ्री डी, ए के जगह पे है और बी के जगह पे 3d है, यहाँ भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर अपॉन नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस डी, यानी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। चलिए ए का वैल्यू हम लोग अभी लाए थे 8, यहाँ पर पुट कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन नीचे भी 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 64 माइनस 9d स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 64 माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 60 0 कितना बचेगा 6
और 15 इंटू 6 19 यानी 960 माइनस 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 105 डी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 7 इंटू 64 क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 28 और 7 इंटू 6 42 और 2 44 माइनस 7 डी स्क्वायर चलिए यहाँ 135 होगा ना 135 डी स्क्वायर 960 माइनस 448 इज इक्वल टू 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर ओके 960 में से 448 घटाएंगे क्या आएगा घटा के देखिए 512 इज इक्वल टू 135 में से 7 कैंसिल करेंगे यानी 128 डी स्क्वायर यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 512 अपॉन 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर चलिए अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग आप लोग भागा करके देखिएगा 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 4 यानी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आएगा डी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे 8 ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू 2 ये चारों नंबर में हम लोग पुट कर देंगे तो चारों का वैल्यू निकल जाएगा चलिए बारी बारी से सब में पुट करते हैं चलिए तो चारों नंबर को निकालते हैं ए का वैल्यू क्या आया 8 और डी का वैल्यू 2 तो चारों नंबर क्या थे ए माइनस 3D ए का वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 फिर ए माइनस डी ए माइनस डी ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 और डी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 6 उसके बाद ए प्लस डी यानी ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू 2 10 8 प्लस 2 10 उसके बाद है ए प्लस 3D ए का वैल्यू 8 और 3 और डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 3 इंटू 2 6 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 तो क्या क्या नंबर आ गया 2 6 10 14 सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 6 माइनस 2 4 10 माइनस 6 4 14 माइनस 10 इसका वैल्यू 4 चारों नंबर एपी में हैं इसलिए एपी क्या हो जाएगा चारों नंबर क्या होंगे 2 6 10 14 देखिए चारों को सम करेंगे क्या आ जाएगा 32 2 6 8 8 और 10 18 18 और क्या है यहाँ पे 14 जोड़िए उसको 32 आ जाएगा यही ना डिवाइड करना था डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स 4 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा यानी 4 पार्ट्स क्या हो गए 2 6 10 एंड 14 आंसर तो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा अगर उसमें भी कोई दिक्कत होगा तो उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद